प्रीता लाएगी अपने अतीत के प्रेगनेंसी की सच्चाई करण के सामने और कह देगी कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, और प्रीता निकालेगी पृथ्वी को घर से बाहर और शैलिन सोनाक्षी की असली सच्चाई लाएगी सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पृथ्वी प्रीता को फेंके हुए पैसे 1000 रुपए लेकर जाने के लिए कहेगा, तब प्रीता बड़ा झटका देती हुई पृथ्वी को कहेगी कि इतना घमंड भी मत रखो कि खुद ही ज्यादा घमंड में डूबकर मर जाओ, और कहेगी कि तुम जिस जगह बैठे हो और ये जो पैसे फेंक रहे हो और जिसे तुम अपना घर और अपना बिजनेस कहते हो वो सब मेरा है। ये लूथास मेंशन और लूथास के सारे बिजनेस पर मेरा हक है, क्योंकि काफी साल पहले ही महेश पापा ने ये लूथा मेंशन और लूथास के सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दी थी, इसीलिए इस घर के और लूथास के सारे बिजनेस के असली ओनर मैं हूँ। यह सुनकर पृथ्वी के होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी कहेगा कि ये नहीं हो सकता। तब प्रीता इसे साबित करने के लिए ताली बजाकर अपने वकील को बुलाएगी और कहेगी कि जरा इसे पेपर्स दिखाइए। तब पृथ्वी वो पावर ऑफ अटर्नी वाला पेपर्स देखेगा जिसमें सबसे पुरानी डेट लिखी होगी और महेश सुथरा ही नहीं बल्कि उसमें ऋषभ के भी साइन देखेगा। तब पृथ्वी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पृथ्वी कुछ ही सेकंड में रास्ते पर आ जाएगा और प्रीता पृथ्वी को कहेगी क्या हुआ, झटका लगा, अभी तो और तुम्हें झटका देना बाकी है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकालूंगी। यह सुनकर करीना बुआ दादी सबके होश उड़ जाएंगे और पूरे लूथा परिवार को सबको प्रीता उसके किए का एहसास करवाएगी और कहेगी कि 2 साल पहले इस घर के परिवार वालों ने, जिसे मैं जान से भी ज्यादा अपना मानती थी, उन लोगों ने मुझ पर 2 करोड़ का इल्जाम लगाकर, यहाँ तक कि मेरी बेटी की मौत का भी मेरे पर ही इल्जाम लगाकर मुझे घसीटते हुए धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, तो मैंने वो सब कुछ सहन कर लिया था, लेकिन अब इस घर में से किसी ने भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और कहा कि मैं इस घर में वापस क्यों आई हूँ, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में वापस आने की मेरी सिर्फ एक ही वजह है, वो है मेरे पापा जैसे महेश सुथरा अंकल, जिसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यह सुनकर पहली बार दादी और करीना बुआ को अपने किए का एहसास होगा, लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि जब प्रीता करण से मिलेगी और करण आधा नशे की हालत में होगा, तब प्रीता को करण की हालत देखकर काफी बड़ा शॉक लगेगा और प्रीता करण के नजदीक नहीं आएगी, लेकिन करण जब प्रीता के नजदीक आएगा और कहेगा कि कहाँ चली गई थी तुम, एक बार भी तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहाँ पर नहीं आ सकती थी क्या। यह सुनकर प्रीता कुछ बोल नहीं पाएगी और करण प्रीता को रोते हुए कहेगा कि ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, तुम मुझे हर जगह हर चीज में दिखती हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह सुनकर प्रीता की आंखें भर आएगी और 2 साल की गलत फहमियां मिटाकर बड़े राज का खुलासा करते हुए कहेगी कि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें सोनाक्षी का हाथ था, वो तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया, और कहेगी कि तुम्हें पता होगा कि मैं 2 साल पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि सोनाक्षी ही थी, वो मुझे रोज दूध में दवाई मिलाकर पिलाती थी ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो पाऊँ और तुम्हारे बच्चे की माँ ना बन पाऊँ, लेकिन अभी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई है उसमें मैं माँ बन सकती हूँ। यह सुनकर नशे की हालत में करण काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन जब करण का पूरा नशा उतर जाएगा तब करण प्रीता से अचानक से नफरत करने लगेगा और पूरे परिवार के सामने प्रीता को घर से बाहर निकालते हुए कह देगा कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन प्रीता समझ जाएगी कि अभी करण अपनी असली हालत में आया है और इसीलिए प्रीता करण के सामने गुस्से से कहेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ जाने के लिए नहीं बल्कि अपने घर को बचाने के लिए आई हूँ, अपने परिवार को बचाने के लिए आई हूँ, और लेकिन आप करण प्रीता को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और आप प्रीता को करण के बच्चे की माँ के रूप में देखना चाहते हैं क्या नहीं, और शैलिन पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आपको करण प्रीता की जोड़ी कैसे लग रही है, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।